अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां दिलाई की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम मीरा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मदिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसा गुजरा आपका वीकेंड नाइट? आज तो सैटरडे है, सो हाउ इज द वीकेंड गोइंग ऑन? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा गुजरा है, जैसे वीकेंड को गुजरना चाहिए। चले, दैट्स फैंटास्टिक। सो आई थिंक वीकेंड के साथ साथ सैटरडे नाइट को एक खास ड्रामा आता है, तो क्या आपने वो ड्रामा देख लिया? जी बिल्कुल, इसीलिए वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा है कि ड्रामा आते ही देख लिया। बिल्कुल, आई थिंक वो बड़ी मजे की अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है ना, लाइक जब ड्रामा आता है आप उसी रात को देख लें तो एक अचीवमेंट होती है, स्पेशली पीपल लाइक अस जिनको टाइम नहीं होता। तो मैं भी आज देख लिया, तो बड़ी एक्साइटेड कि मैंने आज ड्रामा टाइम पे देखा। कौन सा ड्रामा की बात करेंगे ना हम? हाँ जी, हम बात कर रहे हैं पहली सी मोहब्बत। जी बिल्कुल, सो 22nd एपिसोड ऑफ पहली सी मोहब्बत आ गई है। और इन वन वर्ड आपको कैसी लगी एपिसोड? या आपने लास्ट टाइम मुझसे एक वन वर्ड में पूछा था और मैंने पूरी कहानी सुनाई थी, लेकिन बस लेकिन मेरा मतलब है कि To begin with, कि आपको कैसी लगी? बेशक आप डिटेल में बताएं, मजा आता है। अच्छी लगी, अच्छी थी, वैसे ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी। और मैंने भी एंजॉय की, मतलब डिस्पाइट कि वो वही अभी प्रोसेस चल रहा है ना, जिसमें हमारी लास्ट बड़ी क्रिटिकल मोमेंट पे हुई थी और हमने ऑब्वियसली हमें पता तो चल ही गया था कि क्या होने वाला है, लेकिन आई थिंक ऑल्दो इतना कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं ऑब्वियसली हुआ भी है, मगर एज सच इवेंट्स के हिसाब से नहीं हुआ। मगर टू बी ऑनेस्ट मैंने तो एंजॉय किया एपिसोड, और ओवरऑल मुझे कुछ भी फ्लॉ नहीं लगा। आपको कोई लगा? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी आप मुझसे पूछ रही थी तो मुझे यही लगा कि शायद एपिसोड स्लो थी क्योंकि ऐसे एपिसोड में कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो स्लो नहीं थी क्योंकि जो एक काम होने जा रहा है उसके लिए ये सारे छोटे छोटे बहुत सारी प्रेपरेशन जो थी वो बड़ी जरूरी थी, और जो कि अच्छी तरीके से हुई है। लेकिन मुझे ओवरऑल ना, बस मुझे जो उनके सीन्स थे ना, जैसे माया अली का अपने फादर के साथ जो सीन था, या शहरयार मुनव्वर का जो अपनी माँ के साथ भाई के साथ था, मुझे वो थोड़ा सा ना मुझे हो रहा था कि ये इतने इमोशनल हो रहे हैं, सारा कुछ है और एक गलत झूठ बोल रहे हैं, और वो वाली थोड़ी सी फीलिंग ना मुझे स्पेशली माया अली के साथ इसकी आ रही थी कि मुझे पता शायद आप डिसएग्री करें, लेकिन मुझे हो रहा था जब इतना कुछ अपने बाप को कह रही है तो बीच में ये भी कह देना कि मुझे नहीं करनी शादी और मैंने उससे करनी है, मतलब इतना जब इतना इमोशनल आप चार्ज हुए भी हो तो एक ट्राई मारने में क्या हर्ज थी। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दैट पार्ट। ये ट्राई मारने के हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि स्पेशली आई थिंक शहरयार मुनव्वर के हवाले से मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज आई थिंक उसको एक फैमिली सपोर्ट है इस सारे सिनेरियो में, जैनब से, उसकी भाभी से, उसकी अम्मी, और अम्मी भी शायद कर देती तो उनको पता चलता, लेकिन मुझे भी लगता हाँ भाई से नहीं है ऑब्वियसली कंसीडरिंग द सिचुएशन। बट यू आर राइट ऑन बिहाफ ऑफ माया अली, जो रक्षी है, तो उसको चाहिए था कि इतना कुछ कह दे, शायद एक लफ्ज ये भी कह देते कि बाबा नहीं करनी मैंने, यू नो। मैं ये सोचती थी इतना वो क्यूट सीन है एक तरह से, मतलब इतना रो रही है, उसका बाप इतना फील कर रहा है अपनी बेटी का और सब कुछ, और बेटी अपने बाप के लिए इतना फील कर रही है, तो एक बीच में ये बात कर ही देती रोने रोने में, तो क्या पता कोई तुक्का लग ही जाता कोई। हाँ, लेकिन मैं एक्चुअली जो पहले आपको इंटरप्ट करने लगी थी, मैं एक्चुअली ये कहने लगी थी कि वैसे टू बी ऑनेस्ट वो सीन्स वर सो इमोशनली चार्ज्ड, और मुझे बहुत अच्छे वो सीन्स लगे थे, डिस्पाइट कि हम उसके एग्री करें उसकी पॉलिसी से नहीं, जिसमें मैं दोनों तरफ हूँ। आई एम नॉट डिसिसिव कि उसको क्या करना चाहिए, ऑल्दो मैं नहीं अगेंस्ट, आई एम अगेंस्ट कि उसको भागना नहीं चाहिए, अपफ्रंट फाइट करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि बाप के एंड से भी बहुत ज्यादती हो रही है, मतलब ये नहीं कि यू डोंट फील फॉर द फादर इन दिस केस, ऐसा नहीं कि आप उन पे तरस आ रहा हो कि बेटी धोखा दे रही है। आई थिंक वो थोड़ा सा डिजर्व ही करते हैं, डिस्पाइट कि मैं नहीं कहती कि करना चाहिए, आई टोटली एग्री कि मतलब कन्फ्रंट करना चाहिए और दूसरी तरीके से उसको फाइट आउट करना चाहिए, दैट आई एग्री टू, लेकिन ओवरऑल आई थिंक द फादर इज नॉट बीइंग नाइस टू हर, बिकॉज कंसिडरिंग कि आपको पता है, अच्छा कोई और भी होता ना सिकंदर के अलावा तो शायद मैं फिर भी इतना कुछ नहीं कहती, बट कंसिडरिंग कि सिकंदर द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, यू नो, सो आई डोंट नो व्हाट इज शबीर जान के दिमाग में क्या है, और उसको ये पता भी था कि सारे मोहल्ले में उसकी। हाँ अच्छा, मुझे भी ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि ठीक है उसको शहरयार मुनव्वर से शादी नहीं, उसने असलम से नहीं करवानी अपनी बेटी की तो ना करवाए, ठीक है, मैं इस बात पे मुझे भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसने कहीं करवानी है तो आप खुद सोचो, अपनी बेटी को देखो, उस बंदे को देखो, पहले तो आप उनका एज डिफरेंस देख लो, आप फिर मतलब इतना क्या मुसीबत आ गई है कि उसके आपको यही बंदा पूरी दुनिया में मिला है, कोई और पढ़ा लिखा अच्छा सा लड़का अच्छी फैमिली का कर देते तो शायद रक्षी भी मान ही जाती है कि चलो ठीक है, लेकिन मतलब उनको पूरी दुनिया में एक वो बंदा जिसपे ऑब्वियसली वो ज्यादती कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ। और दूसरा बार बाप ये कहता भी है ना कि उसको असलम से कोई इशू नहीं है, सिर्फ उसने इधर बात पहले पक्की कर दी थी। तो मैं कहती हूँ तो बल्कि और उसको ज्यादा मुजरिम करार देना चाहिए, बिकॉज उसको जब बेहतर ऑप्शन है और उसको एतराज भी नहीं है। असलम इज सच अ रीजनेबल गाय, रिस्पेक्टफुल, तबीयत में भी कोई इशू नहीं है, जानते भी हैं एक दूसरे खानदान को। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईगो नाउ वो सबकी जिंदगियां दांव पे लगा रहे हैं। और आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे बेटी का हक है पूरी तरीके से, जो जिस पॉइंट पे मैं आके एंड पे नो थोड़ा सा मुझे माया अली के लिए फील पड़ा, बट एट द एंड ऑफ द डे उसकी शादी है, बाप के कोई हक नहीं है कि विदाउट हर कंसेंट उसकी शादी करते। तो ये तो वो गलत कर रहा है और उसके लिए आई थिंक अगर वो भाग भी रही है तो एट द एंड ऑफ द डे वो चाह रहा है कि वो ये करे, बिकॉज उसको कितना उससे मतलब उसके पास ऑप्शंस बहुत कम है माया अली के पास। हाँ, या इनकार कर सकती है, लेकिन वही वाली बात है ना, सामने जब वो इतनी डरपोक दिखाई हुई है, बार बार सबको फिक्र भी ये लगी हुई है। वो काफी इंटरेस्टिंग है ना, जब असलम को पता चला कि नहीं रक्षी भी कर सकती है सबको पता है कि वीक पर्सनैलिटी है, सो वो भी आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाया। और आई थिंक मुझे अब इस एपिसोड से जो ज़ैनब बाजी हैं उनका व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। इट्स नॉट बिकॉज कि शी वांट्स कि वो भागे, बट इट्स बिकॉज कि ज़ैनब बाजी को अच्छी तरीके से पता है कि सिकंदर का ये सिर्फ एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। अगर वो ये कर भी लेगा शादी तो बार बार वो ब्लैकमेल करेगा किसी तरह, पहले असलम को अजियत देगा, फिर ज़ैनब को अजियत देगा। तो आई थिंक मुझे लगता है आई कैन अंडरस्टैंड हर, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, हाँ, मुझे सिर्फ टोटल वो वाली जो पूरा प्लान है ना, जो कि पता नहीं वैसे एग्जीक्यूट होगा कि नहीं और क्या होना है अब नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो मुझे जरा उसमें मुझे कुछ मिला नहीं और मुझे लगा कि अगर यही अच्छी बात थी, मैंने भी चार देखा है, कुछ मिल रहा है, मिला कुछ नहीं। और मुझे लग रहा था कि शायद बस यही प्रेपरेशन, इसी को आगे फॉलो, मतलब ये शायद अभी नेक्स्ट प्रोमो में ऐसे लग रहा था कुछ खास डेवलपमेंट नहीं होनी, तो वो मुझे थोड़ा सा वैसे बोरिंग भी लगा। लेकिन ऑब्वियसली वो अच्छा है, अगर उन्होंने हमसे कुछ छुपाया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल उन्होंने प्रोमोस में ना कुछ सीन्स ऐसे डाल दिए हैं जो पुराने के भी थे, अगर आप नोटिस करें। ये बड़ा अच्छा किया एक्चुअली, हमारी बात लगता है सुन लिया कि प्रोमोस में एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी बात, मुझे वो जो माया अली के एंड से बस मुझे ये फीलिंग आती है कि वही जो इज्जत के लिए, जिसके लिए वो ऑलरेडी इनकार नहीं कर रही है और शादी कर रही है किसी बाप की, उस पे वो मतलब भाग के वो इज्जत तो वहीं की वही, मतलब वो तो फिर इस तरह जाया हो या उतना जाया हो, वो एक ही बात है, ज्यादा बुरी होगी ना। एग्जैक्टली वही मेरा यही कहने का मतलब है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बात भी मैं इससे आपकी एग्री करती हूँ कि मतलब द फादर इज आस्किंग फॉर इट, क्योंकि उसने सारे हालात अब ऐसे बना दिए हैं कि अब क्या करें फिर वो लोग। लेकिन मतलब ये शायद एक लेसन भी है कि पेरेंट्स को, इट्स अ लेसन नॉट जस्ट फॉर द कपल बट आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर एवरीवन अराउंड, कि फैमिली को समझना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे दो लोगों ने साथ जिंदगी गुजारनी है, उनका कोई हक नहीं है कि अगर उनकी मर्जी नहीं शामिल तो आप जबरदस्ती किसी की भी शादी नहीं कर सकते। तो आप उसको, आई एम सो सॉरी, मतलब अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि मेरी बेटी के लिए ये लड़का अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब आदमी है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी फैमिली खराब है, या जो भी इसकी बुरी आदतें हैं जो आपको पता चल गई, तो आप एटलीस्ट बच्ची को समझाने की ट्राई जरूर करो या लड़के को समझाने की ट्राई जरूर करें कि नहीं भाई लड़की में ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन मतलब ये सारी बातें एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए एक लर्निंग है, जो कि मेरा ख्याल है राइटर शायद देना चाह रही है इस ड्रामे तो अच्छी तरीके से लर्निंग हो भी रही है। दूसरा ओवरऑल मुझे जो टू बी ऑनेस्ट पूरी एपिसोड में बात अच्छी लगी ना, आई थिंक एक्टिंग वाइज मतलब आज इवन माया अली का रोना मुझे मजे का लग रहा था। मतलब जब उसकी जो इमोशनली चार सीन्स थे विद हर फादर, वो इतने इमोशनल से भरपूर थे, और वो जो कह रही थी ना मुझे बदवाना देना, सो उफ अल्लाह, यू नो ऑल्दो ठीक है बंदा कहता है अच्छा क्यों भाग रही हो फिर, लेकिन स्टिल यू नो अगेन यू कैन फील हर कि वो अब ये भी उसको डर है कि वो सब कहती है। बल्कि बाय द वे इन्होंने ये भी बड़ा अच्छा दिखाया है कि माया अली नहीं चाहती, वो कहती भी है कि मैं ये नहीं करना चाहती, ऑल्दो मैं नहीं शादी करना चाहती, लेकिन जब उसको ये पता चला है कि अब असलम को कैसे टॉर्चर दिया जाएगा प्लस ज़ैनब बाजी, तो ऑब्वियसली उसके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल वो बहुत प्यारा सीन था। और इसी तरह जो असलम होता है जब वो ज़ैनब बाजी से बातें कर रहा है और जब भाभी भी आ जाती हैं, और उससे पहले जो पैसे लेने का सीन था जब वो अपनी माता के पास था, उस पल्ला आई थिंक शहरयार मुनव्वर बिल्कुल है ना, जब भाभी भी पैसे दे देती है, भाभी उस टाइम वैसे प्यारी भी बहुत लग रही होती है, मुझे भाभी भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत उनका कैरेक्टर अच्छा लगा है, कुछ समझदार भाभी, उनको समझदार बहुत ही। और ज़ैनब भी यार आई कुड फील फॉर ज़ैनब, ज़ैनब मुझे उसकी बात समझ आ रही है। हम लोग जो कह रहे थे आई अंडरस्टैंड थी कि हम भी कहते हैं कि यू नो रैशनली सोचें तो सब चीजें लॉजिकली तो नहीं होती ना, अगर लोग भी आगे लॉजिकली तो बेचारी क्या करे, बिल्कुल बल्कि अपना घर बचाना चाह रही है इस तरह, बिकॉज ये तो टॉर्चर फॉर लाइफ हो जाएगा। बिल्कुल, वो जो कहती है ना कि मतलब मैं ये सब कुछ ठीक कर रही हूँ तुम्हारे लिए, रक्षी के लिए, अपने लिए और अपने हस्बैंड का, कहती है ना मुराद के लिए, क्योंकि मतलब वाकई में वो ये मतलब वो जिस जहाँ देखो जिस तरह मुराद, तो चलो मतलब बोल दो वो बदजाती कर रहा है ज़ैनब के साथ, वो भी उसका हस्बैंड, लेकिन देखो सिकंदर तो एक हद तक जा रहा है ना, हर वक्त मैसेजेस और इतनी बार मतलब लिटरली उसको टॉर्चर सेल में डाल रहा है, हर दो मिनट बाद मैसेज कर देना, और उसको ये भी पता है कि अगर खुदा ना खास्ता मुराद ने देख लिया, उसकी मियाँ ने मतलब, तो क्या होगा। उसको ये भी एहसास नहीं है, उसको मतलब बिल्कुल किसी का एहसास नहीं है, और ही इज बिकमिंग टू सेल्फिश। तो बिल्कुल बात उसकी बात सही है कि ये दिस वॉन्ट बी द एंड, कि अगर शादी हो भी गई तो ये तो सारी जिंदगी का चलेगा, बिकॉज वो तो बदले के लिए शादी कर रहा है। बिल्कुल, so, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा स्टिल यू नो व्हाट डू यू थिंक आप भागेगी? ये बहुत बड़ा सवाल। ये मुझे ना एंड तक लग रहा था कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में ना क्लाइमेक्स हो जाएगा, ये नहीं भागेंगे, कुछ और हो जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं भागेंगे ना मुझे, क्योंकि पता है उसकी रीजन जो मुझे था कि जो शहरयार मुनव्वर जब असलम आता है अपने फ्रेंड के पास, वैसे मुझे वो बड़ा मजे का लगा था, ऑल्दो मैं करी थी कि उसको कि हाय वाकई बेचारा अकेला रह गया, लेकिन जो उसका फ्रेंड था ना वो गलत नहीं कह रहा था। मतलब मैं सोच रही थी कि हम बहुत जज्बात में अब वो बोल रहे हैं, और मुझे पता है कि वो सही कह रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया, हर बंदा मुझे पैसे देने को तैयार है, कोई साथ नहीं दे रहा। वो बात मुझे उसकी बहुत प्यारी लगी, मुझे उस पर तर्क भी आ रहा था कि वाकई मुझे ऑल्दो मैं मानती हूँ कि वो अपनी फैमिली का सोचा था दोस्त, लेकिन एक बात ज्यादती भी है कि पहले यू नो कहना बड़ा आसान होता है, सब मशवरे दे रहे थे, जिसने सबसे पहले कहा था तो भाग क्यों नहीं चल रहा, तो जब आप कोई दूसरे को आप पहले या आप बस मशवरे ना दो ना, मशवरा दिया है तो आई थिंक साथ खड़ा होना फ्रेंड्स का, मुझे पता है कि वो शायद बुरा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में साथ खड़ा होना पड़ता था, मेरा पर्सनल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं भी यही बात सोच रही थी कि अगर मैं उसका देखूं कि वो दोस्त है यार, दोस्त के लिए तो बंदा कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो जो बात कह रहा था ना कि एंड में शराब मतलब असलम तो चला जाएगा रक्षी के साथ, एंड में ये रह जाएगा, तो ये फिर मतलब इसकी बहने इसके पेरेंट्स नहीं क्यों ना कहते यार, उसको पकड़ते अच्छा खासा भाई भी छोड़ रहा है उसके फ्रेंड को कि कहाँ चला गया अभी असलम। मुझे नहीं पता, नहीं मुझे लगा कि वो दोस्त इतना गलत नहीं कह रहा, और तो शायद मैं बहुत बुरी दोस्त हूँ मतलब मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन और मतलब मैं ये नहीं कह रही असलम बिल्कुल, ये असल में पर्सनल टू पर्सनैलिटी वेरी करता है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं मानती हूँ कि गलत चीज में शायद साथ नहीं देना चाहिए, गलत मशवरे भी नहीं देना चाहिए, उसका स्टांस शुरू से ये होता तो फिर मैं एग्री करती कि मतलब ठीक है, वाई शुभ कहते हैं ना बेगानी छाती में अब्दुल्ला दीवाना क्या कर रहा है, आई टोटली एग्री कि उसका कोई पॉइंट यही था, सही मुहावरा बोला मैंने। हाँ 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 सही बोला, ठीक है। सो बट आई जस्ट फील कि अगर आपने किसी को एक डगर पे लगा ही दिया और फैसिलिटेटर था भी, अगर ना देता ना साथ तो मैं मानती, लेकिन आखिरी मोमेंट पे जब कोई भागने लग गया है फॉर एग्जाम्पल, या सब कुछ अपना बिस्ता बोरिया बिस्ता बांध के आ गया, तो उसको किसी को छोड़ना तो आई थिंक इन द लाइफ ये उसी तरह के जब आप जंग में जाते हो और आखिरी वक्त पे आपका सिपाही गायब होता है। So, मेरा पॉइंट भी मुझे लगता है सेल्फिश अप्रोच है, ये पहले सोचना चाहिए था बिफोर ना, तुम कह रहे थे मैंने तुमसे फोन पे पूछा तो तुमने ये कहा, तो आई थिंक ये ज्यादा बिल्कुल ठीक कह रही है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री कर रही हूँ, बल्कि वाकई मैंने ये बात नहीं सोची थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने उसको इस लेवल तक आप लेके आए हैं और एंड टाइम पे जाके आप कहीं मैं नहीं जा रहा, तो पिछली रात जो उन्होंने बात दिखाई है, पिछली रात भी उन्होंने बात की थी और इसने उसको कहा था कि नहीं पहले चले जाते हैं ताकि उनको शक भी ना हो, तो आप किसी को करेज कर रहे हो तो आप फिर उसका साथ भी दो। और दूसरा मुझे पता है आई थिंक फ्रेंडशिप्स डिफरेंट किस्म की होती है, आई टोटली एग्री, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभार जो दोस्त होते हैं ना वो बियॉन्ड भी जाते हैं, नहीं नो ये तो है बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। हाँ ये मैं मानती हूँ कि हर सही वाली बात में नहीं बीच में ला रही, वो तो अलग चीज है कि गलत काम के साथ और किसी दोस्त को मतलब कंफर्ट जोन से बाहर जाने पे मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ, जाना चाहिए, लेकिन अभी जो वो बात करा था ना मुझे लगा था वो गलत नहीं है, लेकिन बात सही है, ये बात सही है कि अगर आप पहले मशवरे ही ना दें फिर मतलब फिर आप उसको पहले उस पर कहें कि ये बात सही नहीं है, मैं तुम्हारा साथ डिस्करेज कर लेता ना, एक तो मशवरा भी ना था फिर डिस्करेज करता कि नहीं ये नहीं करो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, और अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि मैं बिल्कुल अपने असूलों का पक्का हूँ। हाँ ये बात होती फिर ठीक था, ये आप सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पहले कमिटमेंट कर लेते हो फिर बैकआउट करना, ये मतलब वही वाली बात है कि आपको साथ देना वो मुझे, लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक ओवरऑल ये नहीं है, मतलब पता नहीं थ्रू आउट हमने ऐसे सीन्स क्रिएट किए हैं कि मुझे अभी भी असलम और रक्षी से टू बी ऑनेस्ट कोई गिला नहीं। हाँ, नहीं, मतलब, नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल। ड्रामे को ऐसे बिल्डअप किया है कि डिस्पाइट कि हम इस एक्ट के कितने अगेंस्ट है, आई नो लाइक आई नो यू आर थिंकिंग अबाउट दिस होल थिंग एंड मेरी थिंकिंग बिल्कुल वैसी, आई एम अगेंस्ट के बिट्रेइंग योर पेरेंट्स, बिट्रेइंग योर फैमिली एंड एवरीथिंग, मगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे लगता है कि उन्होंने जिसका बिल्डअप किया बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने बताया कि कभी कभार कैसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं जिसमें आई नो कि उनके पास ऑप्शंस दो है, या फिर कन्फ्रंट करें उसमें भी ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी रिस्क, या फिर ये सोल्यूशन है। और आई थिंक असलम के एंड से तो उसको कवर्ड भी है, उसको आधी फैमिली के साथ दे रही। हाँ एग्जैक्टली, हाँ असलम बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मैं भी उतना इस चीज़ के अगेंस्ट, और ऑल्दो वही बात है क्या ठीक है क्या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन वही बात है कि आप मैं भी इस बात में इनके साथ ही होगी फिलहाल। हाँ, और दूसरा ये कि आई थिंक दूसरी तरफ मुझे रक्षी के लिए एक और चीज़ है, ठीक है हम कहते हैं असलम के पास बैकिंग है, बहन की भाभी की सब कुछ है उसके, यहाँ वैसे भी इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो मुझे रक्षी के लिए एक जो मेरे पास जो सिंपैथी वोट मेरा उसके लिए जाता है वो ये है कि वो बेचारी बहुत अकेली है, उसका कोई भाई ऐसा नहीं है या कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो उसके लिए भी इस तरह के कुछ करता, इसकी मतलब स्टेप मदर है वो नरगिस ऑल आउट जाती भी, बट टू बी ऑनेस्ट कि इससे नरगिस का अपना घर भी गांव पे लग जाता, बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद वो इस तरह के स्टेज पे आ भी नहीं सकती, वो अब इतना कदम उठाएगी तो खुद भी बेकार हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि आई कुड फील फॉर रक्षी कि वो क्या करे, मतलब वो किससे अपनी दुखड़े बोले। हाँ वो एक वीक पर्सनैलिटी है ये उन्होंने दिखाया, अगर वो जाके भाव से ओपनली कन्फ्रंट करे वो शायद और अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम लोग होते हैं जो आके इतना बहस करते हैं, यू नो ये उसकी नेचर में नहीं है। तो मतलब आपकी अपब्रिंगिंग, आप माहौल से बहुत ज्यादा, घर का माहौल, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो कि इस चीज को वो नहीं कर सकती, ये बात ठीक है। मतलब मैं हूँ मेरे तो मुझे समझ नहीं आई, और मुझे अभी भी ये लगता है कि एंड मोमेंट पे उसके पाँव यू नो कदम लटकाएंगे, मुझे नहीं लगता वो कर सकती है। अगेन यू नो इट्स रक्षी एट द एंड ऑफ द डे, सो मुझे फिर और ज्यादा उसके लिए टेंशन हो रही है क्योंकि द काइंड ऑफ पर्सन शी इज कि वो आखिरी वक्त में बेहोशी ना हो जाए या कुछ हो जाए, या जिसका मुझे लगता है सीन में दिखाया है ना कि उसका किस्सा उठाती है अपना मुंह से उठाती है, तो शायद कोई ना कोई आया है, आई डोंट नो कौन आया। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं भागेंगे, और मुझे लग रहा है कि भागने से पहले ठीक हो जाए। हाँ मुझे लग रहा है कि भागने से पहले आ जाएगा, हम नहीं हो जाएंगी, और सिकंदर आगे कहेगा मैंने इससे शादी नहीं करनी, या ये करेगा या और मजीद फड़ा भी हो सकता है कि वो उसी वक्त आ जाए जब ये भाग। हाँ लेकिन ये बात आप कह रही है ना कि वो मरी ना जाए, वो उसको कुछ हो ही ना जाए, वो बेहोश ना हो जाए। जब वो कहता है ना असलम भी कहता है ना अपनी बहन को कि वो कैसे भागेगी, वो तो मर जाएगी भागने से पहले। तो उसने कहा चलो तुम्हारे सामने ही मरेगी ना, कम से कम वो सिकंदर के पास जाएगी तो ये ना हो जाए वो मर जाए उसके सामने, फिर क्या होगा। नहीं नहीं मुझे तो लग रहा है कि ये बेचारी जो है ना ज़ैनब बाजी, इनके साथ कुछ होना है। मुझे भी लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि उनके साथ कुछ हो जाए और फिर सिकंदर नकार कर दे, या फिर ये नेवर नो कि पॉजिटिव एंडिंग भी हो जाए। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे इस ड्रामे की एटलीस्ट रक्षी और असलम के लिए पॉजिटिव एंडिंग लगती है। आपका कहना है? मुझे भी लग रहा है कि इनकी पॉजिटिव होगी। और ओवरऑल पूरे ड्रामे में ना ज़ैनब बाजी नहीं तो किसी ना किसी बेचारे ने ना जान कोई ना कोई फॉल्ट होगा शायद, और क्या पता कोई भी ना हो, और क्या पता बिल्कुल पॉजिटिव, क्योंकि चांस है। मुझे लगता है कि अभी ज़ैनब की स्टोरी में यस मरने का चांस है, एक वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि शायद आई थिंक मुराद भी ठीक हो जाएगा और सिकंदर को भी अपनी ज्यादती का एहसास हो जाएगा। मुझे लगता है कि इट्स अबाउट टाइम की थी कि उसे सफर कराया, उसको ये भी पता चलेगा जब उसकी अपनी मोहब्बत जिसके लिए वो सारा कुछ कर रही है वो उससे नफरत करने लगती है ना, तो कहती है ना कि वो पहले की बात थी, तो शायद उस पर ये बात असर करे, ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ शबीर जान को भी कुछ हो सकता है, I don't know, let's see, हम देखते हैं। I think काफी अच्छी बात है कि उन्होंने टीजर में इतना रिवील नहीं किया तो हमें बहुत एंजाइटी हो रही है कि क्या होएगा ना। तो आई थिंक ओवरऑल इस एपिसोड में यही कुछ हुआ है, और ऐसा मुझे भाभी का बड़ा क्यूट लगा था, ज़ैनब का, शहरयार मुनव्वर जो आपस में थे वो बहुत क्यूट थे, मदर का सीन बहुत अच्छा था, मुझे दुआ करके और फजर की बात कर रहे थे और वो क्यूट था, बहुत प्यारा। और इवन असलम अकरम भाई ठीक है जी। इसमें जो एक सीन हम मिस कर रहे हैं शायद वो है जो नरगिस और जो पुराने वो बस वो था एक सीन जिसका मुझे कोई इतना मतलब ठीक है, नरगिस उसको बहुत अच्छी तरह उसको अच्छे डायलॉग्स थे, काफ़ी वो अच्छा बोलती है उस टाइम, लेकिन बस मुझे नहीं समझ आ रही वो क्यों वापस आ रहा है और ये हर एक की जिंदगी में पुराने बंदे क्यों एंट्री मार रहे हैं। हाँ मुझे भी यही था। और मुझे दूसरी चीज़ थी कि ऑल्दो मैं नरगिस की मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, मतलब आई रियली लाइक दैट कैरेक्टर, बट समहाउ जब वो मतलब उससे मिलने गई ना, मतलब मिलने गई तो वो मिलना वाला तक ठीक था क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके घर के बाहर आ गया, अब उसको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो अपनानी है ना, ताकि चाय पीने चली गई ना, मुझे भी वहाँ लगा, मतलब मुझे फिर लगा कि वो उसकी मतलब मुझे लगा कि ठीक है वो बात करने की थी, बट स्टिल आई फील कि आप खुद ही पड़ाव दे रहे हो ना, तो फिर मतलब उसने ऐसी कौन सी बड़ी खास बात कर ली, तो मुझे ऐसे इट वाज अनलाइक नरगिस, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑल्दो वहाँ जाके उससे बातें हुई थी, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छी थी। यही कुछ होता है, यही होता है, फिर कल को फिर मिलेगी और जाके वो कहेगा नहीं मैं बड़ा अच्छा हूं, और ऑब्वियसली वो उसको भी पड़ाव दे रही है ना, वो ऑब्वियसली वो भी बंदा सोचेगा कि इसका कोई ना कोई सिंपैथी तो है ना मेरे लिए, क्या आ रही है मुझसे, आ रही है मिलने, खुदा ना कसम कोई देख लेगा, और बस फिर वही ये कहने लगी थी कि कल को इसकी नियत तो बहुत अच्छी है, ठीक है लड़की की जो भी है, अब कोई उसका शबीर जान ही देख लेता है तो वो तो कुछ और ही समझेगा। सो आई थिंक ये स्टोरीज में हमेशा ये होता है कि ये लोग नहीं समझते कि दूसरा बंदा भी तो कुछ और सोच सकता है। एग्जैक्टली, मुझे वैसे इस वाले पार्ट में ना ये वाला इशू था, एग्जैक्टली यही मुझे प्रॉब्लम थी जो आपको लगी है। ऑल्दो उनके डायलॉग्स बड़े अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे यार अब ये फिर चली गई है, एक टेंशन ही थी ना अब इनको देख लेगा, फिर इनके मसले शुरू हो जाएंगे, फिर वो जो इतनी इज्जत बनाई है वो खाक में मिल जाएगी। एग्जैक्टली, मतलब बार बार इज्जत की बातें कर रहे हैं और सब कुछ कह रहे हैं और कह भी रही है मैं जोजा हूँ उसकी, और फिर आपको क्या जरूरत है रिस्क लेने की, या फिर मतलब आई फील फॉर हर हस्बैंड कि ठीक है, लेकिन खैर आई डोंट, मतलब उसे मर्जी से चाहती कि वो जबरदस्ती तो नहीं ना, या जबरदस्ती होती तो फिर मैं कहती कि यू नो ज्यादती हुई या छोड़ दें और इसके साथ, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं है तो आई थिंक वो खैर यू आर राइट। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने ड्रामा स्टोरी आगे बढ़ानी है तो इंटरेस्टिंग था वो भी। ओवरऑल आई थिंक आई एंजॉयड द एपिसोड, आई नो कोई इतना मेजर डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुआ, बट जो प्रिपरेशन वो काफी अच्छी, और वो भी अच्छा था कि जिसका शुरू में उन्होंने दिखाया जैसे ज़ैनब बाजी मतलब हमज़ाई जो बन के आई हो, फिर जिस तरह उन्होंने नरगिस चली जाती है और पीछे से जो उनकी और माया अली की जो कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत अच्छी थी, इमोशनल थी, और फिर सब उसको गले मिलती है वो भी बहुत अच्छा था। माया अली का स्पेशली शबीर जान के साथ जो सीन्स थे फादर और डॉटर के बहुत अच्छे थे, और मुझे गुस्सा आ रहा था शबीर जान पे कि अभी भी उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि बेटी के साथ कैसे बात कर रहे हैं। Cool. Yeah. So I think overall we enjoyed this 22nd episode. You have anything else to say? नहीं बस मुझे यही कहना था, काफी मेरा ख्याल हमने अच्छी तरह काफी डिटेल में बिल्कुल। So that's about it. आप हमें कमेंट दें कि आपका क्या ख्याल है कि क्या जो रक्षी है और असलम भागेंगे? तो अभी तक मैं इस पे डिसिसिव नहीं हुई, मुझे लगता है कि शायद ना हो पाए, ठीक है इरादा कर लिया लेकिन मुश्किल है। So आपका क्या ख्याल है फिरा? मेरा बिल्कुल ये ख्याल है, मुझे भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। लेट्स सी हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, प्लीज अपने बताएं। मैं कह रही थी जहाँ पर उसके दोस्त ने बैकआउट किया ना, मुझे लग रहा है कि वहाँ से शायद इनकी कुछ ऐसा सीन शुरू हो के रिवर्स में, मतलब ये शायद जो भागने की प्लानिंग वो थोड़ी बहुत थी। लेट्स सी, सो अब देखते हैं हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज कमेंट करें कि आपका क्या ख्याल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे जो खुशखबरियां डेली न्यूज सेगमेंट है जिसमें हम सिर्फ गुड न्यूज देते हैं, उसको प्लीज देखिए और शेयर करें, खुद भी खुश हो जाएं और अपने फैमिली वालों को भी खुश करें। सो अंटिल देन, अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।